करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। जहां फिल्म का हर सीन लोगों को गुदगुदा रहा है, वहीं आलिया भट्ट के लुक्स को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी बीच फिल्म में दिखाए गए आलिया भट्ट की शादी की मेहंदी को लेकर अब विवाद होता नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में करण जौहर ने कहा था कि फिल्म में दिखाई गई आलिया की रियल लाइफ शादी की मेहंदी और रियल लाइफ शादी की मेहंदी एक ही थी, जिस पर अब फिल्म में आलिया की मेहंदी लगाने वाली फेमस मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा का कमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने करण जौहर के बयान को ही गलत बता दिया है। करण जौहर के इस बयान के बाद मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा ने इस पर निशाना साधा है। करण जौहर का नाम लिए बिना वीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि मेहंदी की डिजाइन एक जैसी नहीं थी, बल्कि आलिया की मेहंदी उन्होंने सेट पर ही लगाई थी। वीना ने लिखा, हम फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आलिया भट्ट की मेहंदी के बारे में स्थिति साफ करना चाहते हैं। पहला, आखिरी तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि उनकी कलाई खाली है, जो उनकी शादी के बाद की है। फिल्म के लिए हमने पूरी कलाई का डिजाइन बनाया। दूसरा, हमने उनकी उंगलियों के डिजाइन में भी बदलाव किए, पूरी डिजाइन में बदलाव किए गए थे। उन्होंने आगे लिखा, पिछले डिजाइनर से कोई श्रेय नहीं छीनना चाहती। हमने बताया कि हमने फिल्म के सेट पर मेहंदी लगाई थी, इसलिए हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो कोई कमेंट करने से पहले सावधान रहे। फिल्म अलग तरीके से काम करती है, उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।